वेलकम बैक टू सी डी डी मोबाइल। तो आज मेरे पास मोटो जी फोर प्लस है, तो डायरेक्ट आपको सेटिंग में जाना है। जैसे ही सेटिंग में जाएंगे तो नीचे की ओर जब आप जाएंगे तो सिस्टम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे। उसके बाद आप फिर से वापस नीचे जाएंगे तो देखेंगे रीसेट ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी स्क्रीन लॉक यानी कि फ़ोन का जो पासवर्ड या पैटेंट डाल रखे हैं यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ जो कि मैं स्क्रीन लॉक पर लगा रखा हूँ। तो यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है तो मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना होगा, मोबाइल वापस ऑन होगा। तो आप ध्यान देंगे बैटरी कम से कम 50% चार्ज होना चाहिए, आपका फ़ोन का बैटरी 50% चार्ज होना चाहिए, और अगर चार्ज ना हो तो कम से कम आप चार्ज में लगा दें। कम बैटरी रहे तो चार्ज में लगा के आप रीसेट कर सकते हैं। और आप एक और बात का ध्यान देना होगा, आपके फ़ोन में जितना डेटा होगा जैसा कि फ़ोटो वीडियो उस हिसाब से रीसेट होने में टाइम लगाएगा आपका फ़ोन। तो अगर टाइम ले तो आपको वेट करना है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो लाऊं तो आप तक पहुंच पाए। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताया हूं किस तरीके से इस फ़ोन को आपको सेटअप करना है।